स्टूडेंट्स वेलकम इन माय यूट्यूब क्लासेस। आई एम राहुल गुप्ता, साइंस एक्सपर्ट। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, दैट इज वीडियो 3। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता, एंड दैट इज चैप्टर 12 क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। स्टूडेंट्स चलिए बात करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में। स्टूडेंट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक आप अल्टरनेटिंग ले सकते हैं बेंजीन को, तो बेंजीन अपने एक से ज्यादा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। बॉन्डिंग की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है वहां पर। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ रेजोनेंस? द रेजोनेंस स्ट्रक्चर कॉनिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग आई हाइपोथेटिकल एंड इंडिविजुअल डोंट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर इन द प्रोपगेशन टू देयर स्टेबिलिटी। अब इसमें और भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं, आप नाइट्रोमीथेन का ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसमें आपके दो टाइप के रेजोनेंस स्ट्रक्चर रहते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को एक्सप्लेन करने से पहले देखिए, तो इसमें पॉजिटिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए, ये बहुत ध्यान से समझिए, केवल ग्रुप आपको समझने। सो द इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज अवे फ्रॉम एटम और सब्स्टिट्यूएंट्स एटम अटैच टू द कॉन्जुगेट सिस्टम। दिस इलेक्ट्रॉन displacement make a certain position in the molecule or high electron density. This effect in aniline is shown. Aniline में ये प्रेजेंट शो होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये aniline है तो इसमें आपका ये जो है ये रिप्रेजेंट R इफेक्ट शो हो जाएगा। इसमें दो टाइप के रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं। दूसरा है नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट की बात करेंगे। इसके अलावा इसमें एक जो होती है आपकी नेगेटिव इफेक्ट के रेजोनेंस स्ट्रक्चर इफेक्ट ग्रुप देख लीजिए। सो दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द एटम और सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप अटैच टू द कॉन्जुगेट सिस्टम। लाइक एग्जाम्पल नाइट्रोबेंजीन। तो ये आर इफेक्ट आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। सो द एटम और द सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप विच रिप्रेजेंट प्लस आर और माइनस आर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आर एस फॉलोज। बहुत सारे इफेक्ट रहते हैं, जैसे आर पॉजिटिव इफेक्ट की बात करो तो हैलोजन है, एल्कोहल है, एस्टर है, अमीन ग्रुप है या और दूसरे ग्रुप है। आर नेगेटिव में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, साइनो ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप है। तो ये अपने आप में। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो इट इज ए टेम्पररी इफेक्ट। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव अ मल्टीपल बॉन्ड, अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग द एजेंट ओनली इट इज डिफाइंड एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ अ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द एटम ज्वाइंड बाय अ मल्टीपल बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। ये इफेक्ट जो है नॉर्मली हमारा जब रिप्रेजेंट होता है जब कोई अटैकिंग रिएजेंट किसी कंपाउंड पर आकर अटैक करता है। दो टाइप के इफेक्ट होते हैं अभी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू द एटम टू विच द रेजोनेंट रिजेंट गेट अटैच्ड। अब इसमें जब कोई अटैकिंग एजेंट सीधे आकर डबल बॉन्ड पर अटैक करता है तो वो उस डबल बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है आपका नेगेटिव इफेक्ट। अब नेगेटिव इफेक्ट में क्या है वो चीज भी यहां पर समझ लीजिए बच्चों। नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, माइनस ई इफेक्ट। इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट डजंट गेट अटैच्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, हाइपर कंजक्शन। सो इट इज अ जनरल स्टेबलाइजिंग इंट्रेक्शन। इट इन्वॉल्व डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ अनसेचुरेटेड सिस्टम और टू एन एटम विद एन अनशेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल्स। द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द एल्काइल ग्रुप एंटर इनटू पार्शियल कंजक्शन विद द अटैच अनसेचुरेटेड सिस्टम और विद द अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल। इट इज द परमानेंट इफेक्ट। हाइपर कंजक्शन जो है वो अपने आप में परमानेंट इफेक्ट है। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहां पर आपका C2H2 है और देखिए किस तरीके से मेसोमेरिक आपका ये हाइपर कंजक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाइपर कंजक्शन में क्या है वो एक लोकेशंस को रिप्रेजेंट करता है। देखिए इस तरीके से देख रहे हैं आपको यहाँ पे लोकेशंस कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी एक हाइड्रोजन को वहां से रिमूव कर सकता है वो पोजीशन चेंज करने के लिए। द टाइप्स देखिए यहां पर किस तरीके से वो स्टेबलाइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए। सो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन कैटायंस टर्शियरी सबसे ऊपर रहेगा क्योंकि तीन रेडिकल जुड़े हुए हैं वहां पर। सो ग्रेटर द फिर सेकेंडरी आ जाएगा, फिर प्राइमरी आ जाएगा वहां पर। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू अ पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम
The greater is the hyperconjunction, interaction and stabilization of the cation. 3 degree, 2 degree, 1 degree for methyl group. So that is the stabilization of alkynes. So it is also possible in alkenes and alkyl rings. Delocalization of electrons by hyperconjunction in the case of alkene can be depicted like that. इस तरीके से डिलिप्टेड करेंगे वहां पर हाइपर कंजुगेशन को. प्रोपीन में देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स यहां पर आपको, दैट इज हाइपर कंजक्शन इन प्रोपीन, नो बॉन्ड रेजोनेंस. नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिक्स. स्टूडेंट्स चार टाइप की है जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रिएजेंट. चैप्टर 13 में डिस्कस करेंगे. यहाँ पर प्योरिफिकेशन पढ़ते हैं, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी. सबसे पहले बात करते हैं सब्लिमेशन. स्टूडेंट्स सब्लिमेशन क्या होता है आपको पता है ना, ये तो पहले भी पढ़ रखा है आपने, जब सॉलिड से सीधे वेपर में या वेपर से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट. द प्योरिफिकेशन टेक्निक बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल इज नोन एज सब्लिमेशन, इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लाइम कंपाउंड फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज. अंडरस्टैंड स्टूडेंट, देखिए सब्लिमेबल कंपाउंड है, फिल्टर पेपर की हेल्प से इम्प्योर कंपाउंड अलग, नॉन सब्लिमेट इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगी वहां पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्रिस्टलाइजेशन. इस स्ट्रक्चर को भी आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट यहां पर, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, ये सब आपके जो है वो आपके स्टूडेंट यहां पर. उसके बाद बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्निक फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉलिबिलिटीज ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटीज इन अ सॉलिबिलिटी सॉलिबल सब्सटेंस सॉलिवेंट. तो इसमें क्या करते हैं आप, इम्प्योरिटीज विच इम्पार्ट कलर टू सोल्यूशन आर रिमूव्ड बाय एब्जॉर्बिंग ओवर एक्टेड चारकोल. रिपीटिंग क्रिस्टलाइजेशन बिकम नेसेसरी फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग इम्प्योरिटीज कंपेरेबल सॉलिबिलिटीज. देखिए कलर क्रिस्टल जो है वो अलग बता देंगे वहां पर. ये है आपका सक्सेशन पंप, ये आपने क्रिस्टल डालना शुरू करा, देखिए किस तरीके से वहां पर सेपरेट कर लेगा वो चारकोल. ये देखिए वॉश ड्राइड एंड प्लेस इन ओवन, प्योर सॉल्वेंट अलग, सेपरेट अलग, बिल्कुल क्लियर. उसके बाद बात करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस की. ये देखिए मिक्स किया आपने, कलर चेंज कर देगा डिजोल्व करने पर, ये शेक करते जाती धीरे धीरे करके कलर चेंज कर दिया और चारकोल ने क्या करा, कलर को एब्जॉर्ब कर लिया. जैसे आप चारकोल वाटर में से पास करोगे. सो नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन प्रोसेस, दिस इंपॉर्टेंट मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज एंड द लिक्विड हैंग सफिशियंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. सो लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइज एट डिफरेंट टेम्परेचर. जब एक से ज्यादा सॉल्यूशन प्रेजेंट रहते हैं तो उन्हें उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर हम डिफरेंस करते हैं. द वेपर्स कूल्ड एंड द लिक्विड्स टू फॉर्म देयर कलेक्ट सेपरेटली क्लोरोफॉर्म, जैसे 334 केल्विन और एनिलीन 457 केल्विन आर इजीली सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ डिस्टिलेशन. द लिक्विड मिक्सचर इज टेकन इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क एंड हीटेड केयरफुली. ऑन बॉइलिंग द वेपर्स ऑफ लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट आर फॉर्म्ड फर्स्ट एंड आफ्टर देन हायर वेपर्स. तो इस तरीके से हम पहले लोअर वालों को अलग कर लेते हैं फिर दूसरे वालों को. ये हमारा सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है. जब हमारे दो या ऐसे कंपाउंड जिनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हो, उनको सेपरेट करने के लिए. देखिए यहां पर देखिए आप ले सकते हैं, ये मिक्सचर लिया हुआ है, दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है इनके. उसके बाद बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो इफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज नॉट मच, यदि दो कोई भी ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस ना हो तो हम सिंपल डिप्रेशन उन्हें सिंपल डिस्टिलेशन से उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते. उनके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं. द वेपर्स ऑफ सच लिक्विड्स आर फॉर्म्ड विद इन द सेम टेम्परेचर रेंज एंड कंडेंस साइमल्टेनियसली. द टेक्निक ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज इन सच केसेस. इन दिस टेक्निक वेपर्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स आर पास थ्रू अ फंक्शनल कॉलम बिफोर कंडेंसेशन. द फंक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड ओवर द माउथ ऑफ द राउंड बॉटम फ्लास्क. देखिए किस तरीके से फ्लास्क फीड है यहाँ पर. तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं. सम ऑफ द कंडेंस लिक्विड इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऑब्टेन हीट फ्रॉम द असेंडिंग वेपर्स एंड री वेपराइज. द वेपर्स थस बिकम रिचर इन द लो बॉइलिंग कंपोनेंट एंड द वेपर्स ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट असेंड टू द टॉप ऑफ द कॉलम. देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से हम यहाँ पर सेपरेट करते हैं. जब
यूज करते हैं केवल जब उनका बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस ना हो। अब इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, इसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रोसेस, सो दिस मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड दोज विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। सच लिक्विड्स आर मेड टू बॉइल एट अ टेम्परेचर लोअर देन दिस नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन देयर सर्फेस। अ लिक्विड बॉइल एट अ टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकें, ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाय इन सोप इंडस्ट्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टीम डिस्टिलेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट, इट इज दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंस विच आर स्टीम वॉलेटाइल एंड आर इमिसिबल विद वॉटर। स्टीम फॉर्म अ स्टीम गैस जनरेटर इज पास थ्रू अ हीटेड फ्लास्क कंटेनिंग द लिक्विड टू द डिस्टिल्ड। द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंडेंस एंड द कलेक्टेड। अब इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं एनिलीन वाटर का हम एग्जाम्पल। एनिलीन वाटर में क्या होता है, उसे सेपरेट करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। धीरे स्टूडेंट, इस तरीके से आपके डिस्टिलेशन के भी कई प्रोसेस हैं। डिस्टिलेशन में आपको मैंने यहाँ पे तीन प्रोसेस बता दिया आपको, सबसे पहले सिंपल, फिर फ्रैक्शनल, फिर अंडर प्रेशर, और उसके बाद स्टीम डिस्टिलेशन, चार हो गए प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस बात करते हैं, देखिए जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग लेयर फॉर्म करते हैं। देखिए इस तरीके से, इसमें भी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। डिफरेंस एक्सट्रेशन, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम इट इज सेपरेटेड बाय शेकिंग इट विद एन एक्वस सॉल्वेंट इन विच इट इज मोर सॉल्युबल देन इन वॉटर। द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द एक्वस सॉल्यूशन शुड बी इमिसिबल विद ईच अदर सो दैट दे फॉर्म टू डिस्टिंक्ट लेयर विच कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटरी फनल। सेपरेटरी फनल से सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। द ऑर्गेन सॉल्वेंट इज लेटर रिमूव बाय डिस्टिलेशन और बाय ई प्रिपरेशन टू गेट बैक द कंपाउंड। सो डिफरेंशियल एक्सट्रेशन इज कैरिड आउट इन द सेपरेटरी फनल। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक्निक ऑफ कंटिन्यूस एक्सट्रेशन इज एम्प्लॉयड इन द सच केस। इन दिस टेक्निक सेम सॉल्वेंट इन रिपीटेडली यूज फॉर एक्सट्रेशन ऑफ कंपाउंड। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, जब एक्सट्रेशन करेंगे तो वो अलग लेयर फॉर्म कर लेंगे यहां पर एक्वस। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस और दैट इज मॉडर्न टेक्निक मेथड, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। देखिए ये सेपरेटिंग फनल से हमने इन्हें सेपरेट कर लिया शेक करने के बाद, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैन शेकिंग वी गेट द सेपरेट, दैट इज इस तरीके से हम उसे सेपरेट करते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। दो टाइप का क्रोमेटोग्राफी होता है, पहले हम पढ़ते हैं। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक एक्सटेंसिव यूज टू सेपरेट मिक्सचर इन टू देयर कंपाउंड, प्योरीफाई कंपाउंड एंड ऑल्सो टेस्ट द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की प्योरिटी के लिए भी यूज किया जाता है ये क्रोमेटोग्राफी का मतलब है कलर, क्रोमा वर्ड ग्रीक से लिया गया है। सो इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट्स। इन दिस टेक्निक द मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंस इज अप्लाइड ऑन इन अ स्टेशनरी फेज विच मे बी सॉलिड और अ लिक्विड। अ प्योर सॉल्वेंट, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और अ गैस इज अलाउड टू मूव स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेज। अब इसमें दो टाइप की क्रोमेटोग्राफी रहता है प्रिंसिपल बेस पर, एक रहता है एडॉप्शन, दूसरा पार्शियल। एडॉप्शन की बात करते हैं, एडॉप्शन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड आर एब्जॉर्ब्ड ऑन एन एब्जॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्रीज। अब एब्जॉर्बेंट कौन से, जैसे कि सिलिका जेल, एल्यूमिना। व्हेन अ मोबाइल फेज इज अलाउड टू मूव ओवर अ स्टेशनरी फेज द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर मूव बाय वेरिंग डिस्टेंस ओवर द स्टेशनरी फेज। टू मेन टाइप्स हैं इसमें, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये दिख रहा है आपको, देखिए एडॉप्शन और पार्शियल पार्टीशन। पहले एडॉप्शन में बात करें, कॉलम और थिन लेयर। कॉलम लेयर की बात करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ओवर अ कॉलम ऑफ एब्जॉर्बेंट पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब। दिस कॉलम इज फिटेड विद अ स्टॉप कॉक एट इट्स लोअर एंड। द मिक्सचर एब्जॉर्ब ऑन एब्जॉर्बेंट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉलम पैक्ड इन अ गैस ट्यूब। An aptitude element which is in a liquid or a mixture of liquids is allowed to flow down the column slowly depending upon the degree to which that compounds are absorbed. Completely separation takes place, the most readily absorbed substances are retained near the tops and other come down to various distance in the column. Alag alag separate layer banne dikh rahi hai aapko students.
तो इसे बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद आता है थिन लेयर, इट इज अनदर टाइप ऑफ एडॉप्शन क्रोमेटोग्राफी विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ अ मिक्सचर ओवर अ थिन लेयर ऑफ एन एडसॉर्बेंट कोटेड ऑन ग्लास प्लेट। ये थिन लेयर होती है 0.2 mm थिक की और ये एडसॉर्बेंट सिलिका जेल या एल्यूमिना होता है। इज सेपरेटेड ओवर अ ग्लास प्लेट ऑफ सुटेबल साइज, द प्लेट इज नोन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या क्रोमो प्लेट। इसमें आप मिक्सचर लेंगे, अप्लाई करेंगे, स्मॉल स्पॉट्स उसमें क्रिएट हो जाएंगे 2 cm अबव वन एंड ऑफ द टीएलसी प्लेट इस तरीके से। देखिए अलग अलग आपके स्पॉट्स बनते चले गए। सो द रिलेटिव एडॉप्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ रिटार्डेशन फैक्टर, जिसे बोलते हैं आरएफ वैल्यू। सो आरएफ इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, ऊपर सब्सटेंस नीचे सॉल्वेंट। इस तरीके से हम विजिबल करते हैं, देखिए सिट्रिक एसिड, सॉडस्ट और सुक्रोज, जुगजलरी और सॉडस्ट, ठीक है। ये रेशियो पे बेस आपका ए बी ई सी डी ई एफ, देखिए अलग अलग पोर्शन यहाँ पे दे रखे हैं आपके। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका पार्शियल क्रोमेटोग्राफी, अलग अलग स्पोर्ट्स के बेस पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अलग अलग स्पोर्ट्स शो कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए किस तरीके से हम इसमें पार्शियल शो करते हैं कि प्रेजेंट कहां पर है इसका, दैट इज द मेथड टू प्योरिफिकेशन। आयोडीन क्रिस्टल्स लिए, देखिए किस तरीके से वहां पर पेपर क्रोमेटोग्राफी का इफेक्ट दिख रहा है, देखिए दैट इज ब्राउन स्पॉट अलग ही हो गया वहां पर, क्लियर। स्प्रिंग एप्लीट्यूड रिएजेंट ऑन द प्लेट, देखिए अब यदि हम स्प्रे करते हैं तो इससे अलग ही बिल्कुल निन हाइड्रिन, ये अमीनो एसिड्स का डिटेक्शन कर रहा है यहाँ पर। पर्पल स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स। नेक्स्ट आता है पार्शियल, सो इट इज बेस्ड ऑन द कंटिन्यूस डिफरेंशियल पार्टीशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी और मोबाइल फेज। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ पार्शियल क्रोमेटोग्राफी। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी अ स्पेशल क्वालिटी पेपर नॉन एज क्रोमेटोग्राफी पेपर इज यूज, दैट पेपर कंटेन्स वाटर ट्रिप्ड इन इट विच एक्ट्स एज द स्टेशनरी फेज। द स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर स्पॉटेड एट द बेस विद द सॉल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर इज सस्पेंडेड इन अ सुटेबल सॉल्वेंट और अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स। ये बिल्कुल ऐसे एक्ट करता है जैसे कि मोबाइल फेज हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है वो भी यहां पर आपका डिफरेंट डिफरेंट, जब आप इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट या एम्पलीट्यूड स्प्रे रिएजेंट यूज करेंगे तो वहां पर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का अलग अलग स्पॉट बन जाएगा, देखिए इस टाइप से स्पॉट बन गया। तो ये पार्शियल क्रोमेटोग्राफी कहला रहा है, दिख रहा है आपको तीन स्पॉट अलग अलग होने, इनिशियल, फाइनल और इंटरमीडिएट। जैसे आप यूवी लाइट से पास करेंगे अल्ट्रावायलेट लाइट से तो बिल्कुल अलग हो जाएगा वो स्पॉट्स, ये देखिए। उसके बाद बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस इंट्रोडक्शन, देखिए देखिए किस तरीके से हम क्वांटिटेटिव एनिलीन, फिनोल, मस्टर्ड गैस, मिथाइल हैलाइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एनालिसिस कैसे करते हैं। द क्वांटिटेटिव एनालिसिस हेल्प टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ दीज एलिमेंट प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना प्रेजेंट है वो निकालने के लिए। सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टिंग बाय हीटिंग द कंपाउंड विद कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे हाइड्रोजन और कार्बन दोनों को, तो कॉपर अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल अलग। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट अलग, वाटर मॉलिक्यूल अलग, वाटर की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ब्लू कलर कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्ट, ये देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्ट, जैसे आपने वाटर के साथ रिएक्शन कराई ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉल्ट, देख रहे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर। इस तरीके से हम कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन करते हैं ये रिएक्शन। स्टूडेंट्स वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल नेम केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता। नेक्स्ट डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन्स, सो प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लैक्लांजे टेस्ट, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म इनटू द आयनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग एंड कंपाउंड विद सोडियम मेटल, फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जैसे आप लैक्लांजे टेस्ट करोगे तो उससे आपको फाइंड आउट होगा, पहले आप सोडियम कार्बन नाइट्रोजन की रिएक्शन करें सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फर की रिएक्शन करें सोडियम सल्फाइड,
सोडियम हैलोजन की रिएक्शन हीट करेंगे तो सोडियम हैलाइड बन जाएगा, इस तरह ये देखिए। तो सी एन एस एंड एक्स कार्बन नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन कम फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड साइनाइड सल्फाइड हैलाइड ऑफ सोडियम सो फॉर्मड ऑन सोडियम फ्यूजन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्यूज्ड मास बाय बॉइलिंग इट विद डिस्टिल्ड वाटर एंड दैट इज कॉल्ड सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। देखिए ये रिएक्शन है। सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। सो द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद आयरन सल्फेट एंड देन एसिडिफाइड। द फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल ब्लू कलर कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। सोडियम साइनाइड फर्स्ट रिएक्ट विद आयरन सल्फेट एंड फॉर्म्स सॉल्यूशन हेक्सासाइनोफेरेट ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सम आयरन आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड टू आयरन आयंस विद रिएक्ट विद सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट टू प्रोड्यूस आयरन हेक्सासाइनोफेनेट यानी फेरिक फेरोसाइनाइड। और इसका कलर जो होता है ब्लू कलर होता है। ये देखिए कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करा आपने और ये सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट बन गया ब्लू कलर, पार्शियल ब्लू कलर कहा जाता है। ये रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। उसके बाद टेस्ट फॉर सल्फर। जब सोडियम एक्सेक्ट को एसिडिफाइड एसिडिक एसिड के साथ लेड एसिडेट के साथ ऐड करते हैं तो ब्लैक पीपीटी फॉर्म कर देता है लेड सल्फाइड की और उससे पता चल जाता है कि इसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है। देख रहे स्टूडेंट, नोट करते जाइएगा, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर के लिए एसिड लेड एसिडेट टेस्ट जो मैंने पहले भी बताया और सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट। तो पहला टेस्ट है लेड एसिडेट। देखिए लेड एसिडेट में मैंने क्या करा, सोडियम फ्यूजन को आपने एसिडिक एसिड लेड एसिडेट के साथ रिएक्शन कराया एसिडिफाइड तो उसमें एक ब्लैक पीपीटी फॉर्म हो जाती है दैट इज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ये मिक्स करा और मिक्स करने बाद कैसा होगा, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए दूसरा भी मिक्स करा आपने लेड एसिडेट, मिक्स करने के बाद आपका ब्लैक कलर फॉर्म हो गया दैट इज। समझ में आ गया फ्रेंड्स, ये आपकी रिएक्शन है लेड सल्फाइड बन गया ब्लैक कलर का। उसके बाद नाइट्रोसाइड सोडियम एक्साइड में आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाते हैं वायलेट कलर फॉर्म हो जाएगा। देखिए ये एक अपने आप में कलर कंपोजिशन रिप्रेजेंट करता है। नाइट्रोजन सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम थायोसाइनाइड इज फॉर्म्ड। इसके अलावा एक सोडियम थायनाइड से और रिएक्शन दिखा देते हैं। सोडियम थायोसाइनाइड से रिएक्शन कराते हैं, इट गिव्स ब्लड रेड कलर एंड नो पार्शियल ब्लू कलर सिंस देयर आर नो फ्री साइनाइड आयंस। दिख रहा है आपको स्टूडेंट यहां पर। सो यदि आप एक्सेस में लेते हैं सोडियम के तो थायोसाइनाइड जो है डिकम्पोज हो जाएगा साइनाइड और सल्फाइड में तो आयंस गिव यूजफुल टेस्ट दैट इज साइनाइड एंड सल्फाइड ऑल्सो। दोनों रिएक्शन को नोट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। उसके बाद आएगा टेस्ट फॉर हैलोजन। इसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में एक आपका पार्शियल ब्लू कलर नहीं आएगा, ब्लड रेड कलर आएगा यहां पर। समझ में आया स्टूडेंट, यहां पर आपको सोडियम थायोसाइनाइड आयरन थ्री सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। चलिए आगे बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। तो हैलोजन की रिएक्शन यदि आपको करानी हो तो सिल्वर के साथ रिएक्शन करा सकते हैं क्लोरोन ब्रोनविन आयोडीन तीनों के साथ लैग्रांजे टेस्ट में और इससे आपका क्या होगा, ये आपका हैलोजन का टेस्ट करके बता देगा वहां पर। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आप हैलोजन की टेस्टिंग कराते हैं तो हैलोजन में सोडियम फ्यूजन जब एसिडिफाइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ऐसे मिक्स कर देंगे और क्लोरीन शो हो जाएगा, येलोइश प्रेसिपिटेट बनाएगा जो कि स्प्रिंगली सॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो प्रेजेंस करेगा ब्रोमीन को, येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा इनसॉल्युबल अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस ऑफ द आयोडीन। सो एक्स का रिप्रेजेंट है हेलोजन, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर दे रहे हो। सल्फर एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज फर्स्ट वर्ल्ड विद कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये डीकम्पोज कर देगा साइनाइड और सल्फाइड को, फिर लैग्रांजे टेस्ट में जो मिला उसे आयंस में कन्वर्ट कर लेंगे सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर हैलोजन दैट इज डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस की बात करते हैं। चलिए फास्फोरस के लिए क्या है,
कंपाउंड को हीट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम परऑक्साइड के साथ। फास्फोरस प्रेजेंट है यदि कंपाउंड में तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा फॉस्फेट में। सॉल्यूशन को बॉइल करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ। येलो कलर प्रिपरेशन बन जाएगा या प्रेसिपिटेट इंडिकेट कर देगा कि उसके अंदर फास्फोरस प्रेजेंट है। देखिए हीट करा आपने और हीट करने के बाद अमोनियम मॉलिब्डेट मिला दिया, येलो कलर फॉर्म हो जाएगा। ये बन गया येलो कलर, तो ये बन गया आपका अमोनियम। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं जिसमें हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट्स की। तो सबसे पहला कार्बन और हाइड्रोजन, ली बर्ग ने एक्सप्लेन किया था। कार्बन और हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड इन वन एक्सपेरिमेंट, अनोन मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉपर ऑक्साइड। कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है फ्रेंड, यदि किसी में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहां पर आप उसे हीट करो, इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेशन देगा। देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल किस तरीके से वहां पर हीट करके दे रहा है, वो बस ऑक्सीजन सप्लाइड हो रही है और हीट हो रहा है वो। इस स्ट्रक्चर को बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये बन गया आपका एनहाइड्रस, कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है और कंसनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिया है हमने। तो यहाँ पर हीट कर रहे हैं, देखिए हाइड्रोकार्बन के लिए हीट करने पर क्या होगा, इस तरीके देखिए ऑक्सीजन आकर यहाँ पर एब्जॉर्ब रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग। ये रिएक्शन नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट। परसेंटेज ऑफ कार्बन देखेंगे अभी और फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इन कंपाउंड को भी बहुत ध्यान से बनाइएगा, रिएक्शन टेस्ट ट्यूब इसे बोलते हैं, यूट्यूब। तो एनहाइड्रस कैल्शियम हाइड्राइड था, कंसनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, दैट इज द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखिए, लेट कर लेते हैं एम ग्राम, एच टू होगा, सीओ टू का कितना M1 M2, परसेंट ऑफ कार्बन परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, परसेंट ऑफ कार्बन के कितना होगा इक्वल टू देखिए 12 ग्राम कार्बन का होता है 44 सीओ टू का, फॉर्मूला इज दैट 12 इंटू एम टू इंटू 100 अपॉन 44 इंटू एम, एम ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे देखिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन 100 ग्राम में निकाल लेते हैं तो ये आ गया आपका 100 ग्राम में कार्बन का अमाउंट, इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से वाटर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला, फिर हाइड्रोजन का परसेंटेज का फॉर्मूला देखिए, इंपॉर्टेंटली नोट करते चलिएगा, एम वन ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 2 × m1/18, फिर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन 2 × m1/18 × f, अब 100 ग्राम में निकालेंगे तो 2 × m1 × 100/18 × m, इस तरीके से आपको यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं मेथड ऑफ नाइट्रोजन एस्टिमेशन, ड्यूमास मेथड और कैल्डाल मेथड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। तो देखिए ड्यूमास मेथड के देख लेते हैं, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनाइएगा, सर द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हीटेड विद कॉपर ऑक्साइड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यील्ड्स फ्री नाइट्रोजन इन एडिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। देखिए नाइट्रोजन रिएक्शन हो गई यहाँ पर, ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म्ड इफ एनी आर रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बाय पासिंग द गैसेस मिक्सचर ओवर अ हीटेड कॉपर गेज, द मिक्सचर ऑफ गैस सो प्रोड्यूस इज कलेक्टेड ओवर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इज कूल्ड कलेक्टेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ग्रेजुलेटेड ट्यूब। अब नाइट्रोजन को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे भी देख लिया फॉर्म से, इस फॉर्मूले से तीन चीजें प्रेजेंट है, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल। बहुत ध्यान से देखिए किस तरह से ड्यूमास मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे नाइट्रोजन की परसेंटेज अमाउंट को। देखिए मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एम ग्राम लोड के लिए वॉल्यूम नाइट्रोजन V1 ml, रूम टेम्परेचर T1 केल्विन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर @T केल्विन P आ गया, एक्वस टेंसाइल स्ट्रेंथ P' नेचर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस @T केल्विन P-P' जिसे बोलते हैं हमने P1, वॉल्यूम नाइट्रोजन एर ST P1V1 × 273 / T1 × 760, P1V1 है प्रेजेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, P1 इज डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट विच नाइट्रोजन गैस इज कलेक्टेड।
आप देखिए इतने वेट में 22,400 ml नाइट्रोजन वेट में 28 ग्राम है एसटी पर, तो आप वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए 28 इंटू वी इंटू 100 अपॉन 22,400 इंटू एम। नेक्स्ट है आपका केल्डाल मेथड। केल्डाल मेथड में देखिए डाइजेशन करते हैं पहले, फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस, दो प्रोसेस एक साथ चलते हैं, डाइजेशन और डिस्टिलेशन। देखिए डाइजेशन में देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लो सल्फ्यूरिक एसिड लिया, कॉपर सल्फेट लिया, इन तीनों को हीट करते हैं अच्छी तरीके से। ये आपका बन गया देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करते हैं, इस रिजल्टिंग को आप अलग से बॉइल कर लेते हैं। सो द लिबरेटेड अमोनिया गैस इज एब्जॉर्ब इन द एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड बाय एस्टिमेशन द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। इट इज डन बाय एस्टिमेशन अनरिएक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड लेफ्ट आफ्टर द एब्सॉर्प्शन ऑफ अमोनिया बाय टाइट्रेटिंग इट विद स्टैंडर्ड एल्केली सॉल्यूशन। अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया में सल्फेट बन गया वहां पर। देखिए किस तरह से चेक करके वहां पर पिंक कलर फॉर्म हो रहा है। सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो एंड एजो ग्रुप्स और नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग रिडीन एज नाइट्रोजन ऑफ दीज कंपाउंड डजेंट चेंज टू अमोनियम सल्फेट अंडर दीज कंडीशन। दिख रहा है स्टूडेंट्स, नोट करते चलेगा। यहां पर आपका नाइट्रोजन तक पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद आपके तीन चार कंपाउंड रह जाएंगे, हैलोजन सल्फर फास्फोरस और ऑक्सीजन। ये आपके लिए नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे एक और शॉर्ट, उसमें आपका पूरा आ जाएगा। इंपॉर्टेंटली नोट करते चलेगा। देखिए वॉल्यूम वी माइनस वी वन अपॉइंट टू, उसके बाद मॉलिकुलरिटी आ जाएगी यहां पर टू ब्रैकेट वी माइनस वी वन अपॉइंट वी टू एम एल ऑफ एन एस थ्री सोल्यूशन ऑफ मॉलिकुलरिटी एम। नोट करते चलेगा स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। चैनल एम केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता। नोट के लिए स्टूडेंट्स, 1000 ml ऑफ 1 m अमोनिया सॉल्यूशन कंटेन्स 17 ग्राम अमोनिया और 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। दैट इज द फॉर्मूला 14 इंटू एम इंटू टू ब्रैकेट वी माइनस वी वन अपॉइंट टू अपॉन 1000। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे? नहीं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए ये फॉर्मूला रहेगा 14 इंटू एम इंटू टू वी माइनस वी वन अपॉइंट टू अपॉन 1000 इंटू 100 अपॉन एम। दैट इज द फॉर्मूला इज कम्प्लीट हियर। जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको केल्डाल मेथड जो है वो आपका जो है एजो ग्रुप नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग और अमोनियम सल्फेट में यहां पर अप्लाई नहीं होता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय फैमिली, गुड बाय स्टूडेंट्स। यहां पर आपकी थर्ड वीडियो पूरी हो गई, सेकंड वीडियो सॉरी, और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो एक और मिलेगी शॉर्ट वीडियो।